नमस्कार, कैसे हैं आप? शातिर केजरीवाल हर दांव से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। शराब घोटाले मामले में केजरी की गिरफ्तारी उसे पता है कि उसके पूरे पॉलिटिकल करियर को खत्म कर देगा। केजरीवाल यदि भ्रष्टाचार के किसी मामले में भी गिरफ्तार होता तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शराब माफियागिरी के धंधे में यदि केजरी गिरफ्तार हुआ और उसे जमानत नहीं मिली उसकी बर्बादी तय हो जाएगी। इसीलिए केजरी हर दांव चल रहा है लगातार कि किसी भी तरीके से उसकी गिरफ्तारी ना हो। आठ आठ बार उसके वारंट जारी होने के बाद भी वो पेश नहीं हो रहा था। अदालत के द्वारा वारंट के बाद भी उसने फिर याचिका दाखिल कर दी है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उसे 16 मार्च के लिए वारंट जारी किया तो 14 मार्च को उसने सेशन कोर्ट में अदालत के इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी, दिल्ली का सत्र बुला लिया। केजरी फरफरा रहा है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरी की बर्बादी तय कर दी। आप चौंक जाएंगे कि केजरीवाल ने तो सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका नहीं दाखिल की इस मामले में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बर्बादी कैसे तय कर दी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बचने के सभी रास्ते बंद कर दिए। देश की सबसे बड़ी अदालत में सिसोदिया की जमानत पर क्विरिटी पिटीशन भी खारिज हो गया। अपने लंबे समय के सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी की जमानत याचिका के लिए क्विरिटी पिटीशन होता है। क्विरिटी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आम तौर पे तब आता है जब आखिरी उम्मीद खत्म हो जाती है जेल से निकलने की, मतलब एक्यूज को जब सजा हो जाती है। क्विरिटी पिटीशन बचने के आखिरी रास्ते हैं। आमतौर पर जब सुप्रीम कोर्ट किसी की जमानत याचिका खारिज करता है तो वकील यह सलाह देता है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगने जल्दी जाना मत, क्योंकि लोअर कोर्ट से रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन सिसोदिया की पहले जमानत याचिका खारिज हुई, फिर पुनर्विचार याचिका खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने के लिए सिसोदिया ने अपनी बीवी के बीमारी के कई बहाने बनाए। हाईकोर्ट में झूठ बोला अपनी बीवी के बीमारी के बहाने। उसे लगा कि जिस तरह से सत्येंद्र जैन बीमारी के बहाने उसे राहत मिली है उसी ढंग से उसे राहत मिल जाएगी। लेकिन बीवी से मिलने का एक बार अवसर तो मिला, सुप्रीम कोर्ट तक ने नहीं माना कि उसकी पत्नी इतनी बीमार है कि इसके लिए सिसोदिया को जमानत दे दी जाए। सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में मास्टरमाइंड माना है। इस मामले में दो गवाह दिनेश अरोड़ा और राघव मुंगुटा दोनों सरकारी गवाह बन गए। दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, अर्जुन पांडे, ये सब सिसोदिया के गुर्गे माने जाते थे। पूरी दिल्ली में जो शराब का माफियागिरी का धंधा चल रहा था उसमें अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे की भूमिका थी। सरकारी गवाह बनते हुए दिनेश अरोड़ा ने यह राज खोला कि कैसे इस मामले में केजरी भी इन्वॉल्व है। उसने कहा कि केजरी ने हमें फोन किया और कहा ये जो विजय नायर है, ये विजय नायर को समझना कि ये मेरा आदमी है, मेरे लिए काम कर रहा है। केजरी का नाम सबसे पहले इस मामले में इसी दृष्टि से आया। इस मामले में चार्जशीट में केजरी का सेक्रेटरी पत्रकार मीडिया एडवाइजर विभव कुमार का नाम आया। आप केजरीवाल से जुड़ने के लिए बिना विभव कुमार के सहयोग से आप केजरीवाल तक नहीं पहुंच सकते। ईडी ने विभव कुमार को भी वारंट जारी किया, उससे भी पूछताछ हुई। इस मामले में केजरी का चिकना राघव चड्ढा भी चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उसका भी नाम आया। ये सब केजरी के सबसे भरोसेमंद हैं। इन सब पर शिकंजा केजरी की बर्बादी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार अदालत में पेश होने से बच रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार आठ आठ वारंट पर बच रहा है और जानबूझ करके ईडी उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। उसे अवसर दे रही है कि भाग बेटा भाग। लगातार वो अपराध करते जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए भी। इससे पहले यह गलती झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर चुके हैं, आज वो उसकी दुर्गति भुगत रहे हैं। हेमंत सोरेन ना सिर्फ ईडी के 9वें वारंट पे पेश हुए, 10वें वारंट पे जब वो भगोड़ा हुए तो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी किया, उनसे इस्तीफा भी दिलवाया और उसके बाद उन्हें जेल भी भेज दिया। अब उनके खिलाफ दूसरा मामला भी चल रहा है ईडी के समन को इग्नोर करने का। इस मामले में भी ऑर्डर रिजर्व हो गया है, कभी भी हेमंत सोरेन को सजा हो सकती है। लेकिन इसी ढंग का मामला अब केजरीवाल पर चलाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट से, स्पेशल कोर्ट से ईडी ने मांगा है। तो केजरी दूसरे मामले में भी फंस रहे हैं।
दरअसल केजरी को पता है कि इस मामले में असली मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया नहीं। जिस दिन केजरी को ईडी गिरफ्तार करेगी पूरा खेल खुल जाएगा, असली मास्टरमाइंड केजरी होगा। इसीलिए केजरी हर किसी भी हाल में ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा। अदालत के वारंट से भी वो भागना चाह रहा है। जब उसने अदालत को भरोसा दिया था कि हर हाल में वो 16 तारीख को पेश होगा, तो फिर इस गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दाखिल कर कोर्ट के लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही सेशन कोर्ट में चला गया, मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट चला गया। तो केजरी हर हाल में गिरफ्तारी से बचना चाह रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकला हुआ अरविंद केजरीवाल के इस तरह से कानून के शिकंजे से भागने का षड्यंत्र देख लोग चौंक जाते हैं। आपको केजरी का एक बयान याद होगा, जब केजरी कहा करता था, धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा, बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, दो दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। जी केजरी कहा करते थे कि सोनिया गांधी को क्यों नहीं गिरफ्तार करते, रॉबर्ट वाड्रा को क्यों नहीं गिरफ्तार करते, ईडी और सीबीआई क्यों रखा हुआ है। आज वही केजरी जो ये कहता था कि जिस दिन मेरे लोग इस मामले में किसी आरोप लगेगा मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, वो केजरी आज जांच एजेंसी से भाग रहे हैं। अब इस बात को सोचिए कि केजरी ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ या ईडी के वारंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दस्तक नहीं दी है। केजरी अपने तमाम गुर्गों को जेल भिजवा चुके हैं, उनका स्वास्थ्य मंत्री अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है, 1.5 साल से ज्यादा समय से तिहाड़ जेल में है, अस्पताल में जमानत के नाम पे पड़ा हुआ है। मनीष सिसोदिया साल भर से ज्यादा समय से जेल में है, फरवरी में उसका 1 साल हो गया। अब इस मामले में उसने कई कोशिश की जमानत की, उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई। अब इंटरेस्टिंग ये देखिए कि इस मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की, वह भी खारिज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा झटका सिसोदिया को दिया कि सिसोदिया के सारे रास्ते बंद हो गए। अब सिसोदिया किसी भी हाल में जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में क्विरिटी पिटीशन दाखिल किया था। सिसोदिया 1 साल से जेल में है, पिछले साल अक्टूबर में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद उसने पुनर्विचार याचिका दाखिल की, वह भी खारिज हो गई। अब क्विरिटी पिटीशन दाखिल की थी, अब उसका ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट में अपलोड हो गया देर रात्रि, और क्विरिटी पिटीशन भी खारिज हो गया। क्विरिटी पिटीशन खारिज होने का मतलब है कि मनीष सिसोदिया के सारे रास्ते बंद हो गए। संजय सिंह जो कहता था कि वो उसके डर से पेंट में पेशाब हो जाते हैं ईडी के अधिकारी को, ये बात केजरी कहता था कि ईडी के डर से दूसरों के पेंट गीले हो जाते हैं, लेकिन संजय सिंह के डर से ईडी के पेंट गीले हो जाते हैं। उस संजय सिंह के ना जाने कितनी बार ईडी ने पेंट गीले किए हैं। संजय सिंह गिरफ्तार है, उसे भी जमानत नहीं मिल पाई। दरअसल संजय सिंह का नाम जब चार्जशीट में आया था तो फुफकार मार रहा था संजय सिंह। उस संजय सिंह का नाम भी दिनेश अरोड़ा ने खोला कि किस तरह से 2 करोड़ रुपए कैश उसने संजय सिंह को पहुंचाए, मनीष सिसोदिया तक किस तरह से लाखों रुपए पहुंचाए गए। यह तमाम चीजें पूरी तरह से पोल खोल गया मनीष सिसोदिया का, संजय सिंह का। संजय सिंह दिल्ली सरकार में मंत्री भी नहीं था। दरअसल पार्टी फंड के लिए गोवा और पंजाब में चुनाव करने के लिए वसूली का धंधा शुरू किया गया था। इसी का पूरा पोल खोल है। दिल्ली को शराब माफियाओं का अड्डा बनाने की साजिश थी। ये जितने नाम हैं वो दिल्ली में शराब का धंधा करना चक्कर की इजाजत दी गई थी। इस शराब के धंधे से, इन शराब माफियाओं से केजरीवाल मोटी कमाई कर रहा था, इसीलिए नई आबकारी नीति लाया। नई आबकारी नीति लाने के बाद जब इसके बारे में जांच शुरू हुई, केजरीवाल ने आनन फानन में यह आबकारी नीति बदल लिया। शातिर केजरीवाल दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री तो है, लेकिन उसने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा। उसने ऐसी साजिश की कि फंसे कोई भी, केजरी कभी नहीं फंसेगा, और इसीलिए केजरी को लगता था कि उसके तमाम गुर्गे फंस जाएंगे, उसके तमाम मंत्री जेल जाएंगे, वो बचा रह जाएगा। लेकिन ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल का नाम इस लिहाज से भी आया कि केजरीवाल
दिल्ली सरकार के भले ही कोई मंत्री अपने पास नहीं रखे हों, लेकिन आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, संयोजक हैं, और ये पूरा पैसा आम आदमी पार्टी के लिए वसूला जा रहा था। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ये तय हो गया कि केजरी का हर हाल में केजरी की गिरफ्तारी होगी, और इसीलिए केजरी संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ज्यादा परेशान हो गया। अभी हाल में भी केजरी ने मनीष सिसोदिया के महिमा मंडल में ट्विटर पे कई वीडियो जारी किए कि वो एक ऐसा शिक्षा मंत्री था दिल्ली की तकदीर बदल देना चाहता था। दरअसल ये सब दिल्ली की तकदीर नहीं, दिल्ली की बर्बादी करने आए, पूरी दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। गड्ढा और खंजरों से भरा हुआ दिल्ली, जिस दिल्ली को शीला दीक्षित ने विकास के रास्ते पर पहुंचाया, उस शीला दीक्षित को बदनाम करके केजरी ने एक फरेब रचा, और अल्टीमेटली सच ये सामने आया कि केजरी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से आया, उसने क्या कुछ किया। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनीष सिसोदिया के सभी रास्ते बंद करने से ने केजरी की बर्बादी तय कर दी है। केजरी लगातार जो अपराध कर रहे हैं, ईडी के वारंट के इग्नोर करने का अपराध, अदालत के वारंट का इग्नोर करने का अपराध, ये अपराध उनके लिए ऐसा पुलिंदा बनता जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते सरकार को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये केजरी जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि मोदी और शाह मिलकर के उन्हें फंसाना चाह रहे हैं, उन्हें बर्बाद करना चाह रहे हैं, ये तमाम नैरेटिव अब ध्वस्त हो जाने हैं। ये तमाम नैरेटिव केजरी की बर्बादी का की वजह बनने वाले हैं। सोचिए केजरीवाल जैसे लोग राजनीति के कैसे का माहौल उड़ाते हैं, किस तरह से शातिरपना का खेल खेलते हैं कि उन्हें अदालत उनके मंत्रियों को जमानत नहीं दे रही है, लेकिन लगातार वो हमला मोदी सरकार पर करते हैं कि मोदी सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही, ये मोदी सरकार उन्हें जेल भेजना चाह रही है चुनाव से पहले। दरअसल केजरी ये नैरेटिव पैदा करना चाह रहे हैं कि चुनाव से पहले सरकार उसे ईडी अरेस्ट करना चाहती है। अब ईडी ये चाहती है कि केजरी की गिरफ्तारी अदालत के वारंट पर हो, ताकि कोई नैरेटिव केजरी का चल ना पाए और ये देश जान सके, दिल्ली ये जान सके, केजरी जैसे नेताओं को चुन करके उनने कितना बड़ा अपराध किया है। इस खेल को समझना बहुत जरूरी है। तो आपने साफ समझ लिया होगा कि क्विरिटी पेटिशन फाइट से रिजेक्ट करके सिसोदिया की बर्बादी ही तय नहीं हुई है। संजय सिंह अब जीवन भर तिहाड़ जेल के अंदर पेंट नहीं गीले, अपनी पेंट नहीं सिर्फ नहीं गीले करवाएगा, अपने आका को भी बुलाएगा। अब केजरीवाल का भी पेंट तिहाड़ में गीला होगा और देश ये सच जान पाएगा कि कितना खतरनाक खेल खेला गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, केजरीवाल के द्वारा। जो कुछ हो रहा है वो बेहतर हो रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए जो लोग बेचैन थे कि केजरी की गिरफ्तारी कब होगी, उन सबको ये समझना चाहिए कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में जितना समय लगेगा उनकी परेशानी उतनी बढ़ती जाएगी। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। Thank you.